भारत को शिकस्त दूंगी। डायलॉग फिल्म में शामिल क्यों किया गया? अदाकारा यमुना जैदी ने अपने आने वाली फिल्म नायाब की रिलीज से कबल ही बता दिया कि उन्होंने फिल्म में मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग क्यों शामिल किया। यमुना जैदी इन दिनों नायाब की प्रमोशन में मसरूफ हैं और वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के शॉपिंग मॉल्स और कल्चरल सेंटर समेत तालीमी इदारों का दौरा करती दिखाई देती हैं। पिछले हफ्ते जहां फिल्म की प्रमोशन के दौरान उन्होंने लड़कों की तरफ अपनी टी शर्ट्स फेंकी थी, उन्होंने लाहौर में प्रमोशन के दौरान बताया कि उन्होंने फिल्म में भारत को शिकस्त देने की बात क्यों कही। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में यमुना जैदी बताती हैं कि उन्हें फिल्म में शामिल मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग सबसे अच्छा लगा। उन्होंने दलील दी कि फिल्म में ये डायलॉग इसलिए डाला गया क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत के मैचेस बड़े शौक से देखे जाते हैं और हर कोई उनमें दिलचस्पी लेता है। अदाकारा का कहना था कि दरहकीकत लोगों की तवज्जो हासिल करने और शायकीन का मजा दुगना करने के लिए फिल्म में मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग शामिल किया गया। ख्याल रहे कि यमुना जैदी की फिल्म नायाब का ट्रेलर दिसंबर 2023 में जारी किया गया था, जिसमें अदाकारा मैं ही भारत को शिकस्त दूंगी का डायलॉग बोलती दिखाई देती हैं। नायाब को रवा माह के इख्तिताम तक रिलीज किए जाने का इम्कान है। इसमें यमुना जैदी क्रिकेटर के रूप में दिखाई देंगी। फिल्म के किरदार नायाब का ताल्लुक सूबाए सिंध के दारुल हुकूमत कराची से होता है और फिल्म में उनके अलावा जावेद शेख, अदनान सदीकी, उसामा खान और मोहम्मद फवाद खान समेत फरियाल महमूद भी दिखाई देंगी। जावेद शेख ने नायाब के वालिद का किरदार अदा किया, जहां वो नायाब के क्रिकेट खेलने के खिलाफ हैं, जबकि भाई का किरदार मोहम्मद फवाद खान ने अदा किया, जहां वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने से कौमी टीम में सिलेक्शन तक नायाब का भरपूर साथ देते हैं।